गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज बोंगल चैनल एंड मैं हूं इंद्रानी रॉय, आप सबकी बोंगल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर फेस मास्क, 3 फेस मास्क। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब जो बहुत मोटिवेट करता है फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। सो जो फर्स्ट फेस मास्क है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है कोकोआ पाउडर, नीम तुलसी का जेल, विटामिन बी कैप्सूल और थोड़ा सा बस सिनेमन पाउडर और जिसे कहते हैं हम दालचीनी पाउडर। सो मैंने यहाँ पे लिया है करीब 2 चम्मच कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर ब्लड फ्लो को बूस्ट करता है, न्यू सेल को ग्रो करने में मदद करता है, सन डैमेज को रिपेयर करता है, स्किन को डिटॉक्सिफाइड करता है, स्कार्स को रिड्यूस करने में मदद करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा नीम तुलसी का जेल। नीम एंड तुलसी ये एंटीबैक्टीरियल होता है जो पिंपल को ठीक करने में मदद करता है। नीम फेस के लिए बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है। सो नीम तुलसी का जेल है गुड वाइब्स और इसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। ये एक्ने को हील करता है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है। मैंने यहाँ पे सिनेमन को क्रश कर लिया है और इसे यूज कर रही हूँ फेस मास्क बनाने के लिए। विटामिन ई कैप्सूल इनको मॉइस्चराइज करता है, स्कार्स को रिड्यूस करता है, सन डैमेज कंट्रोल करता है, एजिंग के साइंस को प्रिवेंट करता है। पहले क्या करना है, फेस को क्लीन करना है फेस वॉश करके या फिर क्लींजर यूज करके क्लीन करना है स्किन, और फिर फेस मास्क को 10 मिनट्स तक अप्लाई करना है और फिर प्लेन वाटर से फेस पे थोड़ा सा मसाज करते हुए इसे रिमूव कर देना है। फिर आपका स्किन बन जाएगा ग्लोइंग सॉफ्ट स्मूथ। हर एक फेस मास्क को यूज करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट कर ले। वैसे भी मैंने कुछ ऐसा कुछ डाला नहीं है इसमें जो स्किन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, लेकिन फिर भी आप लोग पैच टेस्ट कर लो फिर अप्लाई करो फेस पे ये फेस मास्क। मैंने यहाँ पे यूज किया है करीब 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच हनी एंड रोज वाटर। मुल्तानी मिट्टी में है ऑयल अब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टीज, डेड स्किन सेल को रिमूव करने में मदद करता है मुल्तानी मिट्टी, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को क्लीन करता है, स्किन में एक नेचुरल एंड हेल्दी ग्लो लाता है मुल्तानी में। और मैंने यहाँ पे करीब 1 चम्मच हनी लिया है। हनी मैंने थोड़ा ज्यादा ही लिया है क्योंकि ये विंटर है और हनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में मदद करेगा। हनी स्किन के लिए कितना इफेक्टिव है वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप लोग वो चेक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे या यहाँ पे लिंक दे दूंगी, आप लोग जरूर देख लेना वो वीडियो। सो इससे पेस्ट बनाने के लिए जितना रोज वाटर लगेगा आप लोग उतना लेना। रोज वाटर स्किन के इरिटेशन को सूथ करता है। रोज वाटर में है एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, स्किन को क्लींस करता है रोज वाटर। ये फेस मास्क ऑयली स्किन वालों के लिए है, लेकिन ड्राई स्किन वाले अगर यूज करना चाहते हो ये फेस मास्क तो इसमें 1 चम्मच कर्ड या 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स करके यूज करे। इसे भी फेस को क्लीन करके फिर फेस पे अप्लाई करना है। फेस मास्क को ड्राई नहीं करना है, पूरा सेमी ड्राई करके उसे रब करके मसाज करते हुए फेस से रिमूव करना है। विंटर में फेस मास्क को स्किन पे पूरा ड्राई 100% ड्राई कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। सो थर्ड फेस मास्क के लिए मैंने यूज किया है यहाँ पे बेसन 2 चम्मच के करीब, थोड़ा सा वाइल्ड टर्मरिक या जिसे हम लोग बोलते हैं कस्तूरी मंजल। सो कस्तूरी मंजल हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ब्यूटी पर्पस के लिए ही इसे यूज किया जाता है। उसके साथ मैंने लिया है थोड़ा सा रॉ मिल्क, इसे पेस्ट
बनाने के लिए जितना भी रॉ मिल्क चाहिए उतना लिया है मैंने यहाँ पे। बेसन इज अ नेचुरल स्किन क्लींजर। बेसन डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है, फेशियल हेयर को भी बहुत हद तक रिमूव करता है। बेसन टैन रिमूव करता है। बेसन में है जिंक जो एक्ने के इन्फेक्शन के साथ फाइट करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। वाइल्ड टर्मरिक ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसमें है एंटीऑक्सीडेंट जो पिंपल एंड एक्ने से फाइट करता है, स्किन को ब्राइट करता है। ये है एंटीसेप्टिक जो मॉस्क्यूटो बाइट्स है उस पे भी अगर आप लोग वाइल्ड टर्मरिक को लगाओगे या यूज करोगे तो उस पे भी बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है वाइल्ड टर्मरिक। स्किन के इम्प्यूरिटीज को दूर करता है वाइल्ड टर्मरिक। इसे अप्लाई करने से पहले आप लोगों को फेस पे फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। फेस को टोनर से क्लीन कर रही हूँ और इसे भी सेमी ड्राई करना है, 100% ड्राई नहीं करना है। जैसा कि मेरा फेस पैक यहाँ पे सेमी ड्राई हो चुका है, इसे फेस पे मसाज करते हुए क्लीन कर लूंगी। विंटर पे फेस मास्क अप्लाई करने के तुरंत बाद ही सीरम टोनर या मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ही जरूरी होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके बाद मैं टोनर और फेस सीरम बनाना भी दिखाऊंगी अपने वीडियो में, और उन वीडियो को पाने के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों के पास उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल बटन है छोटा सा उसको भी क्लिक कर दीजिए।